for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. नमस्ते, कैसे हैं आप भाई? सब ठीक ठाक। बहुत बहुत सारी बधाई पंचायत के लिए, बेहतरीन काम किया आपने। हर बार की तरह आप वापस चमक रहे हैं। जैसे वासीपुर में आपके बारे में हर बात होती थी, किधर पुलिस इंस्पेक्टर स्टैंड्स आउट, यहाँ पे भी आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो कैसे आप जुड़े इस प्रोजेक्ट से, पंचायत से? अरे एक दिन फोन आया मेरे पास मनीष भाई का, दीपक सर और चंदन सर बहुत अच्छे दोस्त है वो, तब तो उन्होंने आके मुझे बुले बात दोबारा, उनसे कहा करो यार कर सकते हैं एक्टिंग में, बहुत डर लग जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो अच्छा दोस्त चारों तो कर लेता हूँ मैं, तो नहीं जाओ कुछ चिल्लाते पीछे से ऐसे करके आवाज आती है, यार क्या हो, ये क्या बोल रहा है, इसलिए। पर अच्छा रहा यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, दोस्त हैं अच्छे, यही चल रहा है। आया बहुत काफी मतलब काम किया, और अलावा उसके उन्होंने सुनाया पढ़ाया तो मैंने बोला कि ये कौन बना सकता है, क्योंकि मैं खुद एक सीरीज बनाता हूँ, काम करता हूँ। अच्छे लोग हैं काम करने के लिए, यार ही चाहते हम आपको इतना कम क्यों देखते हैं एज एन एक्टर, क्यों आप करना नहीं चाहते? आप इतनी अच्छी तो करते हैं, और अरे नहीं अपना भी करते, काम भी मेरा अपना है ना सर, ऑफिस है, ये सब जो मैंने चार रहता फैला रखा है वो भी तो करना होता है। मैं खुद कोशिश करता है तो सीरीज बनाऊं जी, तो उसका काफी काम रहता है। कोई कंपनी है ऑफिस में, इतने लोग काम करते हैं, लेबर हूँ मैं लेबर रोज सुबह जाएगी तो वो करना रहता है, तो वो भी जरूरी रहता है। तो एक्टिंग करने फिर एक्टिंग कर सकते हैं, फिर आप कुछ और नहीं कर सकते जी जी, वो बात है, तैयार बैलेंस करते करते कर सकते हैं शायद या फिर आप अपने ही सीरीज में एक्टिंग कर लीजिए जो आप प्रोड्यूस करते हैं। नहीं आप तो रूल अपने में नहीं कि भाई मेरे मेरा चेहरा तो देखकर डर जाती है पब्लिक, तो क्या बात कर रहे हैं बेचारे, उन लोगों ने रिस्क लिया, हमको तो नहीं लिया है। अपना अपना ब्रीफ बड़ा साथ चाहे उन लोगों का, भाई काला मोटा गंदा आदमी चाहिए, कहीं इसको बुला लो। तो कहां से शुरू हुआ ये सिलसिला, फिल्मों में आना है, प्रोड्यूसर बनना है, एक्टर बनना है? 2002 इंडिया, हाँ उसी टाइप में आया था बॉम्बे। आज कुछ करने नहीं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी ठीक से, पापा ने एमबीए करने भेजा था, वो सारे पैसे खा गए थे अच्छा तो लाइफ में कुछ पता ही नहीं था करने क्या है। फिर आ गए बॉम्बे, आ गए वो बॉम्बे में कुछ करेंगे, पहले तो आए थे तो एक ने बोला एक्टिंग ही कर लो, तो मैंने 3-4 महीना एक्टिंग कर, में 6 महीना लगा, मैंने कहा भाई ये तो बहुत टफ काम है। फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे रहना वहना भी था, यहाँ पे खाना ये सब भी चलता रहता है ना, कमाओ खाओ, तो उसी में लग गया। फिर कभी किसी का असिस्टेंट बना, कभी पहली जॉब किया था तो चैनल में था, वहाँ पे टेप लगाता था ABCD के हिसाब से, तो ए फॉर फिल्मों की टेप होती थी ना, वो करा था, डे में वो लगाता था और रात मुझे मशीन सीखता था Media 100। अच्छा, मेरे दोस्त थे काफी अजीज, उन्होंने सिखाया मुझे मशीन मशीन एडिट, एडिटर बन गया, प्रोमो प्रोड्यूसर बन गया, उसने लगा पिक्चरों में प्रोमोस काटता था, सारा चैनल में था मैं जी जी। उसके बाद फिर एक और ऐसे नौकरी कर, लेबर करते रहे, जो जो जो, 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 जो जैसा काम देता रहे वो काम करते गए लेबर की तरह, लाओ कुछ पैसा मिलेगा कुछ काम चलेगा, करते करते फिर कई साल फिर प्रोडक्शन करने लगे, फिर टीवी किया काफी साल, काफी पोस्ट किया, फिर शूट किया, कॉन्टिलो में नौकरी किया। फिर मैंने कहा 2006-07 में मैंने जो है एक कॉल आया था, अमेजिंग रेस करके एक शो आता है एक्शन पे, उसके लिए वो मैं गया मैरियट में मिलने के लिए, कि उन्होंने कहा कि उनको लेना, मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा शो है, तो वो उनके साथ 4-5 सीजन किया, फिर पिक्चरें करने लगा जो जैसा। एक्चुअली मैंने वो कोई सर्वाइवल की एक वॉर होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है,
है कि नहीं है, तो उसमें जो काम पे डिसाइड कर लेंगे कंपनी खोलेंगे जी, कंपनी करने लगे काम। मैंने सबके साथ किया ज्यादातर, मतलब कि सब कुछ हो चुका है मुझे आराम नगर में 17 साल तो वो जो है काम काफी करता रहा। मिला सबसे अच्छे लोग, मुझे बुरे लोग मिले पर अच्छे ज्यादा मिले। अभी 6-7-8 साल से तो कंपनी आई है, चलाता रहता। तो ये पहले कोई प्लान करके नहीं आए थे आप कि एग्जैक्टली? नहीं भाई, प्लान करके थोड़ी नहीं आ सकते। 22 साल के थे जब आए थे। प्लान क्या होता है? पैसा प्लानिंग जो है पैसे से होती है। खाली जब पेट होता है मुंह होता है आप जो है। मेरे दोस्त थे बहुत पुराने, दीपक डोबियाल मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त है, मनु ऋषि, ये सब उनके साथ में रहा। अच्छा, कैलाश पर भी बहुत पुराने साथी हैं जी। ये सब मतलब जब मैं नया नया आया था ना तब की बात है। हाँ, सब फाइटर लोग थे, सब जो आस पास रहते थे जी, सब काम करते थे, काम करके शाम को मिलते थे। शाम को आपको पता ही क्या होता है, तो मेरे पीछे जी। स्कूल कॉलेज में क्या सोचा था आपने कि क्या करना है जिंदगी में? यार स्कूल में थे बिशप जॉनसन स्कूल था इलाहाबाद जी, तो वहाँ मैं एक्टिव रहता था टीचर्स डे वीचर्स डे के टाइम पे। अच्छा, ध्यान नहीं रहता था यार, वो बड़ा अजीब सा। मैं तो एक बार अगर बेस्ट ऑफ फाइव नहीं होता तो छठी के बाद पास ही नहीं हो पाता। मैं 4 साल बाद पास हुआ था मैथ्स में, टेंथ में, सेवेंथ एट मैथ्स में फेल हो गया था, तो बेस्ट ऑफ फाइव मिल जाता था मुझे नेक्स्ट क्लास। तो मैंने जो है वो टेंथ में जब पास हो तो खुद ही रोना आ गया कि यार मैं पास हो गया सही में। हाँ, तो फिर 12th किया, फिर बीकॉम के पढ़ने गया लखनऊ। फिर ये हुआ कि बीकॉम करने के बाद जैसे ना, तो घर वाले या तो ये कर लो या तो एमबीए करके दंत मंजन बेचो जी। वो सब नहीं हो पाया मुझसे, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, एमबीए की कोचिंग का पैसा खा गया। मुंबई आ गए थे उसी वक्त। माँ बाप बेचारे मेरे बड़े अच्छे लोग थे, सीधे थे, उनके मैं एक दानव पैदा हुआ था, तो बेचारे झेल रहे थे तो बस। अच्छा, ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं वही सोचता था कि अभी सोचता हूँ कि बेचारे बहुत झेलते थे, बहुत उनके अंदर था यार, बताओ है ना। मेरे पापा बेचारे एक बार पान परा खा के छुट्टी लेके सो गए थे, कहने लगे कैसे आदमी थे, कहने लगे तुम लोग इतने बदतमीज हो, ऐसे होते चलते। अरे माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं जी। अब बहुत साल बाद आओ तो लगता है कि बॉस ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर अच्छा है। मैं तो मुझे लगता है मुझे इतना ज्यादा टेंशन नहीं रही है, जो होती लाइफ की होती है ऐसे टाइम पास करता रहता हूँ। है ना, खाना और हंसना बहुत जरूरी है कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहना बहुत जरूरी है, स्ट्रगल को एंजॉय करना चाहिए जो भी। दुनिया बहुत हरामी है, गांड में घुस जाएगी आपके। तो रोजी आपको जो है ना परेशान करेगी जी, वो उसका है चक्कर। दुनिया रोजी इतने आप बिल लेके बैठी रहती है, तो आप जो टाइम पास अपना भी करें दूसरों का भी करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मजेदार है। तो पंचायत का मतलब कैसा था एक्सपीरियंस? कुछ याद है मेरे सेट में ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल याद है। पंचायत मेरे हिसाब से मैंने जितना भी इतने साल तक काम किया है जी, मुझे लगता है मुझे बहुत सीखने को मिला एज अ प्रोड्यूसर टाइप। हम लोग इतने अच्छे से काम करते हैं जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डायरेक्टर साहब हैं और जो राइटर साहब हैं जी, ये दोनों खतरनाक हैं। मतलब अगर शो बना है तो इनकी वजह से, और अभिजीत सिंह करके हैं जी जी जी, प्रोड्यूसर हैं, उनकी वजह से बना है जी। क्या मैंने खुद सीखा इन लोगों से, क्या मतलब इतना आसान कहानी कोई कोई नहीं सुनना चाहता मेरे हिसाब से, है कि नहीं? मुश्किल भी है मुझे लगता है, आसान चीज को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना। आधी दुनिया जो है दूसरे को तो मर्डर कर रही टीवी में, चार आदमी सबसे चल रहा है ना जी। वो भाभी की ले रहा है, भाभी उसकी ले रही, समझ इस तरीके की आप कॉन्टेंट में आप जिंदा रह रहे हैं कि नहीं? ड्रग सब कुछ है, मर्डर ही सब कुछ है जी। उसके बीच में भाई ये कंपनी आके बोलती कहानी का, तो हंसने लगे थे, तो भाई सब कोई नहीं बनाता है। कहने लगे नहीं चलो करो ना जी। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो करते हैं, फिर करना क्या है, फिर क्या करने के लिए। पर इतना डे वन से लेके डे एंड तक, मतलब उन लोग को पता था वो क्या बना रहे हैं। आपको सच बताऊं, मतलब ये इसमें कोई वो उनकी वो वाली वो नहीं है, पर वो उन लोग को डे वन से पता था स्क्रिप्ट यही है, यही बनाएंगे,
ये स्क्रिप्चर बहुत टफ है मतलब करना है, ये वाला ह्यूमन है ना, मतलब हाउसफुल फोर बनाना चले जाइए, चाचू चाचू करते रहिए जो भी हो सकता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग सॉरी सॉरी आपके हाँ नहीं नहीं बोलिए बोलिए आप, नहीं, नहीं, आप, आ, आप आपकी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सुनने बैठा हूँ। नहीं बोलिए मुझे तो सही कह रहे हैं कि ये शो के अगर असली हकदार कोई है तो वो राइटर डायरेक्टर और जो टीवीएफ की टीम है जिसने इसको डेवलप किया है, वरना ये शो किसी भी हिंदुस्तान के प्रोडक्शन हाउस के पास नहीं है ऐसी स्क्रिप्ट, आपको सच बता रहा हूँ, तो ये शो बनाने को तैयार है। जी जी वही है जिनके जिनके दम है गांड में जो कर रहे हैं, सॉरी गाली बकरा सॉरी सॉरी नहीं नहीं कोई नहीं, डिजिटल चलता है और दिल से निकलती है ना गाली, दिल से निकलनी चाहिए। गांड दम है ये शो बनाने का, वो बना दिया उन्होंने जी, वो आपको उसको मानना पड़ेगा। इस प्रोफेशन में अलग तरीके से मैं मान के इसको वो कहता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ यार कि कोई ये भी सोच रहा है, वरना हम खुद बैठ के सोच रहे हैं हम लोग चलो एक मर्डर मिस्ट्री बनाते हैं बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ठीक है ऐसा टाइप का। वहां पर उन लोगों ने जो है बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मतलब अच्छे लोग हैं यार, बहुत बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उस क्रू में जो है हम मैं रघुवीर सर, नीना जी और अमिताभ सर जी। ये जो है मतलब 40 टाइप के थे, बाकी सब वो यंग एंड यूथ क्राउड है उनके यहाँ एकदम, और वो उसमें वो लोग क्लैरिटी के साथ काम कर रहे थे, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम से शूट करते थे, टाइम से होता था, डायरेक्टर बहुत सॉर्टेड था, उसने सोच रखा था कि यही करना है जी, वो चाहे एक्टर को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ना, हम लोग आजकल जो करवा रहे हैं लोगों से तो एक्टर को भी वो नहीं था, रघुवीर सर को डे से क्लियर था वो क्या कर रहे हैं, तब जी। तो उनका वो तो उनकी क्लैरिटी में था कि बॉस ये हो रहा है। तो आप जैसे हाँ जी जी बोलिए, आप पूछे 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 नहीं मैं कह रहा था जैसे आप बहुत ज्यादा एक्टिंग नहीं करते हैं और गैप के बाद बात करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं हुई मतलब फर्स्ट डे या सेकंड डे सडनली? पहले उन्होंने यहाँ पे रखा था ना, हम लोग मिले आपस में दूसरे के साथ, वो हुआ वर्कशॉप, दो वर्कशॉप हुई, अच्छी सी बातें हुई, और बातें होते होते माहौल से बहुत डिपेंडेंट होता है जी, ह्यूमर वाला स्क्रिप्ट है ना वो, उसको अलग माहौल में ही उन्होंने हमेशा लाइट कर रखा था, वो कोई चिल्ला के बात भी नहीं करता था उधर जो है, वो हल्ला नहीं करते हैं, वो ये सब भी होता था शूटिंग पे, सब लोग नॉर्मल नहीं करते हैं। हाँ वो आपस एक्चुअली वो लोग इंटरनल टीम बहुत सॉर्टेड है ना, चंदन था वहां पे जो जिन्होंने लिखा है ये शो जी जी, उसने कमाल किया भाई, वो तो वो इंसान जो है वही अच्छा, उनकी वजह से मैं मुझे देखा जाए तो शो मिला है। उन्होंने कह रखा था कि वो वासेपुर वाले वो ऐसा था से अच्छा रहा वो मैं भी जाके जैसा मैंने कहा यार ये सब कर रहे हैं जो सही में जो बन रहा है क्या बात है। हाँ यार बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत अच्छे से किया उन्होंने, उनकी टीम में काफी अच्छे लोग थे, जुझारू लोग है भाई, 6 बजे कॉल टाइम होता था सुबह, अच्छा और तो टाइम से पहुंचना भी नहीं कहते हैं, सब कुछ होता था, वो टीम जो है ये अच्छा ही है भाई उन लोगों, और एक गांव में करना शूट जो 50 किलोमीटर है उस गांव में, अच्छा गांव में आप शूटिंग करें तो 50 चीजें भी नहीं मिलती ना भाई, वहां तो अच्छे अच्छे होटल भी नहीं है, जो हम लोग को तमीज, हम लोग को सबसे अच्छे होटल में रखा गया, हम लोग क्रू बेचारी जो जिस होटल में रह रही थी तो भाई वो उसकी तो और एक कहानी, वहाँ एक आदमी काम करता था वो बहुत डराता था लोगों को, क्या इसका बहुत बड़ा वो अच्छा हाँ और क्या, वो ऐसे साइलेंट किलर टाइप का था, अच्छा साइड में देखता वैसे करके और क्या करेंगे क्या करने वाला है, और उसका बहुत बहुत वो बहुत मजेदार था, वो मतलब ओवरऑल तो बहुत मजा आया, दो बार शूटिंग करने के लिए गए दोनों बार अच्छा, बहुत अच्छा शो बना, बहुत दिल से बनाया। आपको लग रहा था कि उस वक्त लग रहा था इतना अच्छा रिसेप्शन मिलेगा ऑडियंस से क्रिटिक्स से? नहीं यार मैं सच बताऊं कभी नहीं था, तब नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था, 2-2.5 दिन तो प्रमोशन ही हुआ इसका, अच्छा टेक्निकली शो के पहले 31 को तो ट्रेलर आया, 30-31 को शायद, और 3 तारीख को शो आ गया था, बिल्कुल 3 दिन के अंदर ही कुछ हुआ जो हुआ, उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि लोगों ने सब मतलब विद फैमिली शो देखा है, मेरे गाँव से या कहाँ कहाँ से तो फोन नहीं आ रहा था, सब हंस रहे थे, तो शायद सबको मजा आ गया, हमारे तो मामू फोन किए कहना रे क्या हाल चाल है, हमें इसके आगे कुछ नहीं है। बस इतना ही 8 एपिसोड। हाँ तुम्हारी बीवी कौन है, तो हम बीवी क्या करेंगे, आप देखी नहीं कैसी थी।
अब बेचारे लोग बहुत बहुत भोले होते हैं। हाँ तो माई बीबी नहीं रही कहा पैसा तो लाती है, नहीं नहीं माई माई बीबी थी भाई तो दिखाएंगे उसको, तुम शादीशुदा नहीं हो क्या, ऐसे ऐसे सवाल भी करता है और लोग लोग देख रहे हैं सो यार सब देख रहे हैं। अच्छा मैं चंदन से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि उनके गांव में बहुत लोगों ने देखा नहीं है, मेजोरिटी ने देखा नहीं क्योंकि अमेज़न प्राइम मतलब पता नहीं है लोगों को ज्यादा, उन्होंने फोन पे डाउनलोड करके रखा है और बारी बारी करके मम्मी को दिखाया किसी को दिखा रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है उनका। अरे बताइए मुझे, सबसे अच्छा काम उसने किया, बहुत बेहतरीन। जी जी मतलब उसने क्या नाम से चंदन, अब बाकी लोग तो अच्छा करते ही करते हैं यार, मतलब कोई जाहिर सी बात है ही नहीं। जीतू इतना बेहतरीन एक्टर है ये, जीतू बहुत अच्छा है। रघुवीर सर तो भाई मेरे से तो मेरे लिए अच्छा क्या हुआ कि मैंने जिस आदमी को देख के टीवी देखा है ना के असीन सर, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो जैसे इलाहाबाद से लोग आते हैं ना और अमिताभ बच्चन मोमेंट हो गया कि आदमी को देखा है मैंने उसके साथ एक्टिंग करूंगा और कि हमने उन्हीं को देखा है टीवी में हमेशा ना, इसलिए तो ये है बहुत मजा आया। मीना जी से बहुत मजा आया और चंदन जो है वो बहुत बहुत खतरनाक एक्टर है, बहुत अच्छा है मुझे तो। हाँ भाई है तो, वो उनका शायद पहला ही काम है, पहला या दूसरा काम है। हाँ 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 काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ सबने अच्छा किया, सबने अच्छा किया, वो उनसे अच्छा हो जाता है, वो अच्छे है तो सब अच्छे थे। राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से आप लोग सब नेचुरली बिहेव कर रहे हैं, एक्टिंग कोई नहीं कर रहा, तो बहुत नेचुरल लगता है पूरा शो, बहुत सिंपलिस्टिक रियलिस्टिक शो। एग्रीड। हाँ वो राइटिंग जो है ना चंदन ने जी सच में यार इतना खूबसूरत था वो, पहले हम लोग को चार एपिसोड मिले थे फिर बाद में मिले जी, हमने कहा चंदन ये कौन कुछ देखेगा इस शो, ये कहो पब्लिक जो पागल हो चुकी है वो चाकू लेके टहल रही है। भाई आधे क्रिमिनल बन चुके हैं, आधे जो पॉन देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप जी, समझ चैनल में जो पॉन आ रहा है उसके पीछे परेशान है पब्लिक, एक एक जीबी डेटा फ्री यूज हो रहा है वहीं पे उस लोगों का, और आधे स्पैनियल जा चुके हैं वो जो है नार्कोस, समझिए तो आधा कंट्री जो सामान बेच रहा है और आधा कंट्री देख रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप, वो ऐसा है। वो हम क्या पर वो इतना खूबसूरत था कि अमिताभ सर जो डीओपी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, म्यूजिक ने सब अच्छा, एक चीज अच्छी होती है ना सारी चीजें अच्छी होने लगती हैं उसकी वजह से, मुझे ऐसा लगता है। आपकी टीम अगर अच्छी है तो आपके लोग अच्छे होंगे, आपके लोग अच्छे हैं आपका काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो आपका आउटपुट भी डबल हो जाता है जी। चीज वो था यार, मजेदार था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। काफी काम करते हैं, क्या नाम से सीरीज बनाई थी हमने स्मोक करके, स्मोक इरोस नाउ पे जो है जी, उसका सीजन 2 बना रहे थे अभी जी। और अलावा उसके काफी नॉन फिक्शन काम करते हैं ज्यादातर, तो हमने काफी डिस्कवरी में काफी काम आता है, एमटीवी के लिए काफी काम किया हुआ है जी। और अभी हम लोग इसका सीजन 2 बना रहे थे, एक और शो बना रहे हैं, चैनल तो नहीं बताऊं पर हो गया है वो करें। फिल्म एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैंने 3-4 किया जी, जैसे रिवॉल्वर रानी साथ चक्के मैं और चार्ल्स सब करता रहा जी। वासेपुर भी किया था, वासेपुर में हम लोग प्रोडक्शन ही कर रहे थे तो तब किया था, उस टाइम पे मैं कुछ उस टाइम पे मैं अमेजिंग रेस कर रहा था बनारस में जब वासेपुर की शूट हो रही थी, तो तभी तभी फोन आया था, तो उनके बाद उनका काम था, इलाहाबाद में शूटिंग भी थी वो भी कराया जी। पर अच्छा चल रहा है यार, जैसे चल रहा है, एक छोटी कंपनी है बना रही है, डेवलप करते हैं जाके पिच करते हैं। हाँ हाँ आप लोग खुद ही डेवलप करते हैं शोज जी जी जी, जी। कोई अगर पिच करना चाहे आपको वो भी सर बिल्कुल वो मिले तो हम, एक्चुअली ऐसे ही होता है कि हम क्या करते हैं डेवलपिंग का जो प्रोसेस है, राइटर है हर एक कहानी के अलग अलग, तो उनसे या तो इस कहानी पसंद आती है तो उनको और डेवलप करते हैं या तो हम ही डेवलप करते हैं, राइटर को बुलाते हैं, तो वेबसाइट में हमारा एड्रेस है, बिल्कुल मिले मैं तो मिलता ही है, यही करता ही भाई दिन भर बैठ के जी, जो कहानी सुने और जाके किसी को जाके बेच के आए, अच्छा ही हो जाएगा, अच्छी बात है, तो वो चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से बेचारा
काफी टेंशन हो गई है कि क्या करेंगे अभी अभी क्या चल रहा है अभी आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं फिर भी घर से बिल्कुल कर रहे हैं हाँ क्या करें तो हाँ अभी स्मोक सीजन 2 की लिखाई चल रही थी उसको देना था डिलीवरी थी उसकी दिसंबर तारीख में तो वो कर रहे थे ये हो गया अलावा उसके कोर्स लिख रहे थे जो फाइनल हो गया था उसका एक शेड्यूल बना रहे थे बाकी करीब 8-10 शो है जो हमने डेवलप किए वो जा जाके पिच करते रहते हैं और जो हो रहा है उसे और करते रहते हैं यही चल रहा है भाई कुआं खोदो पानी पियो आपको क्या लग रहा है अभी इस सिचुएशन की वजह से डिजिटल में कुछ इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में जो शोज डिलीवर होने वाले थे इस साल मुझे लगता है कि होगा क्योंकि अब से लेके कुछ महीने बाद ही शूटिंग शुरू होगी जी जी अब लोगों को कंटेंट चाहिए जी घर में बैठ खाना बनाने वाले वीडियो बहुत नहीं देख पाएगी पब्लिक ये या तो आधा हिंदुस्तान जो वीडियो बनाने लगेगा घर में बैठ के वो शुरू हो चुका है शुरू हो चुका है कि आधा दुनिया खाना पका रही है आधा बॉडी बिल्डिंग कर रही है हाँ तो अभी ये इसके वजह से शूटिंग कब होगी वो बहुत मैटर करता है आप समझ रहे हैं कब क्योंकि लोग हमारी शूटिंग में तो भाई बिना कुछ कहे दुने भी 100 लोग होते हैं जी हम तो अंग्रेजों की तरह काम नहीं करते ना कि 50 आदमी काम हो जाए रेड़ा चलता है हम लोगों का चलो तुम भी चलो और 125 लोग तो होते हैं कहाँ इकट्ठा होंगे ये बीमारी जब तक नहीं जाती है तब तक कैसे करेंगे तो सरकार बताएगी क्या होगा पता नहीं एक चीज हो जाएगी अच्छी सड़ी सड़ी पिक्चर है जो काफी सालों से बंद है उन्हें कोई खरीद के लगाएगा है कि नहीं जी 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 बेचारों का भला हो जाएगा हाँ। बहुत से 3 साल से बना के बैठे हुए हैं 4 साल से बना के बैठे हैं हाँ। जिनको कोई नहीं मिल रहा था भगा दिए थे लोग उनको बुला बुलाएंगे उनका होगा अभी उनका रिलीज होगा कॉमेडी स्पेस बहुत कुछ होगा जी लगता है ये एक स्पेस है जो काफी काम करेगा आप वैसे अपने आप से कैसे कंटेंट स्टैंड अप भी देख नहीं रहे स्टैंड अप वाले आज की डेट में जो है मस्त है जी कुछ तो वीडियो का इशू हेलो जी ऑडियो आ रहा है वीडियो का आई थिंक इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है हेलो आप सुन पा रहे मुझे हाँ अभी ठीक हो गया अभी ठीक हो गया जी जी आप स्टैंड अप के बारे में बोल रहे थे कुछ जी स्टैंड अप वालों के लिए अच्छा होगा वो लोग काफी स्पेस है जो कोई भी आदमी अब्सॉर्ब कर सकता है जी जी ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है सारा प्रेशर जो है डिजिटल पे है उसको आउटपुट देना और देना तो वो बहुत ही टफ रहेगा बिल्कुल क्योंकि लोग डर के मारे पिक्चर हॉल नहीं जाएंगे हिंदुस्तान अजीब जगह है ना भाई इनको डरा दो तो कुछ भी कर सकते हैं तो भगवान के डर से मारपीट करने लगते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं ना तो इनका कोई वो नहीं है अच्छी चीज है जी 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 पिक्चर वाले पिक्चर देख नहीं जाएंगे 5,000 लोग जब मस्जिद पहुंच जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए समझ रहे हैं आप वहां नहीं जाएंगे जी जाएंगे हाल में प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे थे देश तो बड़ा आप वैसे खुद से आप कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं आपके फेवरेट क्या है यार मैं मेरी आदत है रोज एक फिल्म या एक सीरीज में तो रोज ही देखता हूँ भाई रोज देखता हूँ मैं 15 साल से यही कर रहा हूँ एक्चुअली 2005 जब बोर्ड वॉक एम्पायर वायर आया था ना मैं सीरीज का बहुत शौकीन हूँ अच्छा मेरे पास एक 10 टीवी सीरीज है जी इसी को मुझे किराए पे ले जाए मेरे पास होगी बहुत सीरीज है ये इंटरनेट आने के पहले से मैं डाउनलोड करता था मेरे तो एक आदमी भी रखा था मैंने रात में टॉरेंट पे कि भाई ये नहीं मिल रहा है इसे डाउनलोड कर ले क्या करेंगे बहुत चीजें सीरीज बहुत देखता हूं सर ये ऑल लैंग्वेजेस कोई आप रेकमेंड करना चाहेंगे अभी जो लोग घर पे बैठे हैं कुछ देख सकते हैं ऑनलाइन सीरीज पंचायत के अलावा अरे बहुत सीरीज है 4 ब्लॉक सर की एक सीरीज है Amazon Prime पर जी उसका सीजन 3 का वेट कर रहा हूं मैक माफिया एक बहुत अच्छी सीरीज है और गोमरा एक बहुत अच्छी सीरीज है बोर्ड वॉक एम्पायर एक बहुत अच्छी सीरीज है वायर एक बहुत अच्छी सीरीज है ये सब पढ़ने वाली सीरीज है जिसको आप देखें तो आपको सीखने को मिलता है बहुत
आपको चाइनीज जो कोरियन कंटेंट है ना वो बहुत जी, अच्छा जी, है जी, बहुत सॉलिड है वो, उनके उनके यहाँ बहुत अच्छा है। पर सीरीज जो है जैसे स्टार्टअप एक बहुत अच्छी सीरीज है प्राइम जी, मजेदार है। और गोमोरा जरूर देखिए, जिंदगी में सबको एक एक बार गोमोरा देखना चाहिए। ये 000 करके अमेजोन पे एक सीरीज है जो मिल नहीं रही है, मतलब उन्होंने इंटरनेशनली रिलीज किया है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं जी। आज दिन लगा तो कहीं मिल नहीं रहा है जो है वो बहुत अच्छी अच्छी सीरीज है। रेड ऑनवन एक बहुत अच्छी सीरीज है हॉटस्टार पे। स्नोफॉल बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत से नाम लेते बहुत है बाजारों में है। पर अगर सीखने वाला अगर कोई कंटेंट है तो बोर्ड वॉक करके एम्पायर करके एक सीरीज है वो देखना चाहिए जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत तो बहुत पुरानी है। वायर है, वायर वायर चाहिए बहुत, अरे बहुत सॉलिड सीरीज है, मतलब वो सीरीज सीरीज है, मतलब तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये अच्छा है। और नार्कोस वार को तो दुनिया ही देख रही है, उसमें क्या है है ना जी, वही है बिल्कुल। लाइन ऑफ ड्यूटी एक ब्रिटिश शो है नेटफ्लिक्स पे, वो बहुत अच्छा शो है, वो देखना चाहिए। और 8-10 भी याद आ रहे हैं तुम अगर देखना कोई चाहो। कोई बात नहीं, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो फिर वापस आपको कॉल करेंगे और रिकमेंडेशंस लेंगे आपसे क्या देख सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ है यार, बहुत लोग अच्छा अच्छा शो बनाए हैं जी तो, जी बिल्कुल। मतलब अफसोस होता है कि हम लोग अब वो लोग सीरीज बना बना के मतलब उसमें वो रवा हो गए, उसको स्क्रिप्ट ऐसी होती। अरे अभी आउटसाइडर आई है वो देखिए, बहुत अच्छा है। और सीरीज जो है नॉवल की तरह है, एक पहले जैसे नॉवल के अडेप्टेशन होते थे फिल्म बनाया जाते, फिल्म में सब कुछ इंक्लूड नहीं कर पाते थे, और सीरीज में आप बहुत गहरे जा सकते हो, बहुत और नई चीजें भी आप डाल सकते हैं। आपको स्पेस देता है ना वो, बहुत स्पेस देता है, लॉन्ग फॉर्म आपको स्पेस देता है और कैरेक्टर के साथ रहने को देता है। 120 मिनट इतना आसान दिखता है जब आप 600 मिनट कहानी कहिए, 600 मिनट बहुत टफ होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक सीरीज अगर 12 एपिसोड की, 10 एपिसोड की, 50 मिनट की भी है ना, 40 मिनट की भी है, 400 मिनट्स बहुत टफ होता है सर। एक लाइन और क्या, वो जो उनका तरीका है, हम लोग तो रंधे में चला के कुछ भी बना देते हैं ना चलो अगर यही सीरीज जो पंचायत है ये हल्का सा भी हिलती दाएं बाएं होती तो नहीं अच्छी लगती लोगों, है कि नहीं। ये सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव या कोई मतलब नैरेटर अपना व्यू पॉइंट नहीं दे रहा किसी पे भी, किसी को जज नहीं कर रहा, बस जो सच्चाई है उसको दिखा रहे, और वो सबसे खूबसूरत चीज है। हाँ, वो हरामी पना नहीं है कि ये भी खराब होगा, समझ रहे ना आप, इंसान का हरामी पना होता है ना। हाँ, कि चलो चलेगा तो जैसे। हाँ, नहीं आप ये तो क्लाइंट ही आपको पूछेगा कि एक बार बताओ इसका इससे वो क्या इशू क्या है, अपने लाइफ में कभी इशू नहीं होता है जिंदगी में इशू आदमी जितना जितना मतलब ये लोग अंग्रेज से सीख के आते हैं, और फिर उसके बाद जो है कहते हैं ये लाओ वो लाओ, मतलब कहानी आसान भी हो सकती है। मुझे वो एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, निखिल विजय है ना जी, जी जी जी, मैं उसका बहुत फैन हूँ जी जी सच। अच्छा। हाँ अरे मैं एक दिन वो जा रहा था, मैंने तो आवाज दे दी पर वो रुका नहीं, तो अरे मुझे बहुत फैन हूँ उसका। अच्छा। मैं उनको और मुझे स्क्रीन पत्ती में जो वो बनते हैं रवीश, अच्छा शिवांकित, हाँ 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 उन लोगों का। अच्छा। और आपको पता है इसके पहले मैं जीतू का फैन था, जीतू और दीपक सर के थे आरामनगर में, मेरा ऑफिस इन लोग का भी था। हाँ। मेरा भी था, रोक रोक के बोलता था 126 मेरा है अभी। हाँ, अच्छा 127 उनका था। यस, तो 126 जो है मेरा है अभी जी, मेरा वो था 149, तो मैं इन लोग को रोक रोक के बोलता था यार तुम लोग बड़ा अच्छा काम करते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो, क्योंकि मैं बहुत वैसा मतलब मुझे जीतू काम बहुत सही लगता था जी, बहुत अच्छा करते थे यार। पर अभी अभी मेरी लाइफ में जो है ये नया एड ऑन हुआ है निखिल विजय, बहुत अच्छा जी। करता है उसको, मैं ना उसके सारी चीजें देखता हूँ। हाँ। जितना भी उसने काम किया है ना अभी मैं सब देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और भी ऐसे कोई है डिजिटल में या बहुत पसंद है मुझे समीर सक्सेना काम बहुत पसंद है। क्या बात है, क्या और मुझे जो वो है क्या नाम से अभी चीज केक शो आया था मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और जो अपने अर्नब बनते हैं ना जी विश्वपति सर छोटा था लाइवा उसके आईडी छोटा था भाई बहुत बेहतरीन है वो लोग, बहुत अच्छे लोग। हाँ
एक्चुअली वो लोग ने ना सब कुछ बंद, उनके उनकी वजह से अच्छाई क्या हुई, लोग सोचने लगे काम करने को। जी जी जी, बहुत लोगों को इंस्पायर कर दिया कि काम काम ऐसा भी हो सकता है, वीडियोस ऐसे भी बन सकते हैं, कंटेंट ऐसा भी बन सकता है। बिल्कुल जी, आप सोच देखते हैं ना रूम में गुल्लक देखिए जी, सिंपल वो लोग वो कहानी। तो एक मतलब एक अलग उसके है, तो उस आप अगर तो इस टाइम पे सीखेंगे नहीं तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा ईगो होता है ना, नहीं ये मतलब आप देखिए ना लोग वो चाहे वो चाहे कल से शुरू हो जाए क्राइम पेट्रोल टाइप का शो बनाना, नहीं बना रहे ना अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी जी बिल्कुल, पर मैं इन लोग मैं इन लोग बहुत परेशान करता था, रोड पे जा रहा हूँ रोक लू, अरे यार तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, तुम तो अच्छा कहीं जा रहे पीने मारो। जीतू को मैं 2-3 बार किया है, अरे यार जीतू तो क्या कौन है भाई नहीं, आप फोन करके एक दिन बोल लीजिए मैं कास्ट कर रहा हूँ आपको, फिर घर पे आ जाएंगे फिर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोकने की जरूरत नहीं। दोस्त लोग हैं तो अब तो क्या, आप तो पहले मजाक करो जी जी, नहीं कहीं बैठे मिल जाने जीतू यार तुम तो। और एक बार उनको तो जो वो बने थे वो रवीश कुमार भाई, उनको 2-3 बार बोल चुका हूँ, वो भी कहता है भाई कहीं बैठा हुआ हूँ चला आता है बीच में, सर सुनो बहुत अच्छा काम करते हैं। निखिल तो मेरे घर के पास ही जाता, मैंने थोड़ा सा मोटा होना मैं तो दौड़ा के पकड़ लेता, नहीं तो वो अच्छा करता है यार वो। अभी और क्या काम आने वाले आपके कुछ इन प्रोसेस यार? अभी मैं वो फिल्म कर रहा हूँ बॉब विश्वास। ओ अच्छा, ये उसमें छोटा सा रोल है 3-4 दिन का। एक दिन किया अभी जिस दिन का लॉकडाउन हो रहा था ना, हाँ, वो कलकत्ता जाके, हाँ, वहाँ किया भाग के फिर आ गया। अब देखो जब बताएंगे वो करेंगे जी, बाकी एक्टिंग का कुछ अभी है नहीं। देखे 3-4 जन का फोन आया था पर मैं तो डर जाता हूँ थोड़ा सा। क्या क्या है आपका कैरेक्टर बताएंगे जरा? अरे अभी नहीं हो जाए अभी, क्या है मुझे एक्चुअली ये टीवीएफ के साथ मैंने बोला है ना, टीवीएफ तुम लोग अगर काम करो, अगर तुम लोग मुझसे जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं रोज सुबह चश्मा लगा के बैठ जाऊंगा तुम्हारे सामने। अरे भाई माफ कर दो, इतना जेल लिया है। पर अच्छा है उन लोग का, उन लोग का दिमाग अच्छा है, मैं फिर से ही कहूंगा अच्छा सोच रहा है वो लोग, अच्छा सोचने वाले के साथ तरक्की होती है, शो बहुत अच्छा बनाते हैं लोग दिमाग से। बिल्कुल, एक्चुअली जो सबसे बड़ा टाइम होता है ना स्क्रिप्ट पर, उसी में सबसे बड़ी चीज सीरीज बनाने की, कि आपको 6 से 8 महीना कहानी को देना पड़ेगा, कि 3 महीने में नहीं होगा 8 एपिसोड या 10 एपिसोड जो दुनिया कर रही है। जिस दिन लोगों ने ये फॉलो कर लिया ना, हाँ, राइटर को इज्जत करना, समझ रहे, राइटर की इज्जत करना और राइटर को पैसे देना, चलेगी ये बहुत बेसिक ऐसा ज्ञान नहीं है, सच्चाई है। आप बाहर जाइए, बाहर राइटर की बहुत इज्जत होती है, हमारे राइटरों के साथ खाली नाम तुमने क्या किया है वही उसी को पैसा देंगे, समझ रहे हैं आप? टीवीएफ राइटर को स्पेस दे रहा है, अकेला बैठ टाइम दे रहा है, यही सबसे यही रामबाण है सर, वरना चाहो गेम ऑफ थ्रोन जैसा शो बनाना चाहो नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? तो वो सच्चाई है, वो तो है, राइटर को बहुत जरूरी होता है भाई रिस्पेक्ट करना उसको बेचारे का। आप अपने अगर किसी भी आदमी को बोल दीजिए कि बैठ के 2 पन्ना लिख दो तो गांठ फट जाएगी उसकी, ठीक है, और आप राइटर का लिखा हुआ फट से बोलता है इट्स नॉट वर्किंग ब्रो, ऐसे करके थोड़ा नहीं होता, ये बहुत लंबा है थोड़ा क्रिस्प करो काटो, क्रिस्प करो, हां टू मच इज हैपनिंग, ऐसे करके आप से 2 पन्ना लिखने के लिए नीचे गांठ फट के नीचे हो जाएगी उसकी, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं समझ रहा हूँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये होना चाहिए सीरीज में, राइटिंग की बहुत सख्त जरूरत है, अच्छी राइटिंग, अच्छी राइटिंग। देखिए दिल्ली क्राइम कितना अच्छा शो बना, बिल्कुल है कि नहीं? जी जी, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा शो वही है मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन जो है क्राइम में इंडिया में का बेस्ट शो है जी, तो दिल्ली क्राइम, और कोई शो नहीं है, कोई है ही नहीं, सॉरी टू से, इट्स ओके इट्स ओके। हाँ नहीं है, मतलब आप देखिए ना उसने गेम कर दिया उस शो ने, फिर आप चाहे लाख उसे मर्डर कर ला लो, गाली बकवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ये टीवीएफ जो है बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है लिखने को और उसको टाइम दे रहा है, वो आज रात में बोल के कल सुबह नहीं मांगता उससे 5 सीन ना, थिंक अबाउट राजू जी, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू आप हमारे चैनल पे आए और ऐसे ही बेहतरीन काम करते जाइए। अरे मिलते एक्टिंग में भी, और देखिए आप और नजर आइए एक्टिंग में भी, बॉब विश्वास का हम इंतजार करेंगे और स्मोक सीजन 2 का भी, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।